guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to show you how to use aloe vera gel as night cream for reducing all skin problems. So guys, let's start the video. So guys, आज के वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल। तो सबसे पहले मैं एक दिन में जितना यूज करते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। आप चाहो तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूंगी, सिर्फ एक नाइट के लिए। मैं बता रही हूँ आपको इतनी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेना है और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 विटामिन ई कैप्सूल। इसको पूरी तरह से निकाल के ऐसे ऐड कर लेना है आपको। इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट रेडी करना है। आप देख सकते हो ये एक क्रीम की तरह हो जाएगा, जैसा कि आप नाइट क्रीम यूज करते हो उस तरीके से ये इजिली आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ये इस तरीके से हो गया है मिक्स करने पे दोनों। तो इन दोनों को मिक्स करके उसके बाद आपको इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, जैसा कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इन दोनों के मिक्सचर को एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हो। इसके बाद आप एवरी नाइट इसको अपने फेस पे अप्लाई करो। इसको अप्लाई करने से आपके फेस के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं, वो सारे रिड्यूस होने लगते हैं धीरे धीरे। आप देखोगे आपको यूज करने के बाद पता चलेगा। आप 1 वीक यूज करो, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये मैं अभी पर्सनली भी अपने फेस पे एवरी नाइट अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे भी अभी बाहर आने जाने से पिंपल्स वगैरह निकल चुके हैं मेरे फेस पे, तो मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको 2 या 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, ताकि ये आपके फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आपको इसके अपने डार्क स्पॉट्स एरिया में अच्छी तरह से मसाज करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि ये आपके डार्क स्पॉट्स एरिया में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये अपना वर्क अच्छे से करे और आपका डार्क स्पॉट्स, आपके पिंपल्स जल्दी से रिड्यूस हो जाए। आप चाहो तो इसको नेक एरिया में भी अप्लाई कर सकते हो। नेक की जो डार्कनेस होती है ये उसको भी रिड्यूस करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया, ये मेरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब आप रात को सोने से पहले ऐसे ही इसको अच्छे से अप्लाई करके अपने फेस पे मसाज करके और फिर सो जाएं, और सुबह जब आप उठोगे तो आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धोना है। उसको हल्के हाथों से जेंटली आपको अपने फेस को वाइप करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करना है, आपको धीरे धीरे इसको वाइप करना है जब आप करोगे तो। हाँ, और एक बात भी, आपको इस पर फेस वॉश यूज नहीं करना है। कोई सा भी फेस वॉश हो, आपको अपने फेस पे इसको लगाने के बाद सुबह में अपने फेस पे फेस वॉश नहीं यूज करना है। ये आप देख सकते हो, ये मैं अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसी तरह से ऐसे लगा के और सो जाऊंगी, और सुबह जब उठूंगी तो अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। इससे मेरे जो जितने भी ये डार्क स्पॉट्स हुए हैं, जो पिंपल्स के जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारे धीरे धीरे आप देखोगे तो रिमूव हो जाएंगे।
ये पर्सनली मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ एवरी नाइट। अभी मैं पिछले 2 दिन में मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया और मुझे ये इसका रिजल्ट मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों के भी जो डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी पिम्पल्स हैं, वो सारे रिड्यूस हों, वो सारे रिमूव हो जाएँ। और गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे एक वीडियोस पे 1 लाख से अबव भी व्यूज़ हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियोस को और ज़्यादा देखते रहें, पसंद करें। मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ और अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैक्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। So guys, how was my video? Tell me in the comment, and if you like this video then give a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me, and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.